उस्मान खान में, दूसरी लगातार सेंचुरी इस पीएसएल में, और एक सीजन में दो सेंचुरी करने वाले वाहिद बल्लेबाज बन गए। ये बता रहे हैं खास तौर पर इस पीएसएल के अंदर कि मैं यहाँ था, मुझे नहीं मौके दिए गए। हमारे यहाँ एक परफॉर्मेंस के बाद बातें होना शुरू हो जाती हैं। टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में यूएसए की फ्लाइट में मलिक साहब चले जाते यार। इस तरह बहुत ईजी है ना ये, हम लोग तो बहुत जैसे ये है एक, लेकिन आमिर पे दोबारा से सोच मिल जाती है कि वो अभी तक T20 खेल रहा है। यही उस्मान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप एक परफॉर्मेंस पे कहते हो कि प्लेयर बहुत टॉप पर है और फिर आप कहते हो कि ये प्लेयर तो कुछ भी नहीं, इस वजह से मैं जा रहा हूँ बाहर और मैं नहीं समझता कि मेरा यहाँ फ्यूचर। वॉटसन और सेमी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि वो किसको करते हैं, लेकिन डैरन सेमी लाइन में है। पीएसएल में इस वक्त मुकाबला हो रहा है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन अतीक भाई इस्लामाबाद के लिए मुश्किल बना दिया है उस्मान खान ने, दूसरी लगातार सेंचुरी इस पीएसएल में, और एक सीज़न में दो सेंचुरी करने वाले वाहिद बल्लेबाज बन गए। ये एक ऐसा टैलेंट है जो कि पाकिस्तान लोग कहते हैं ज़ाया किया, बट ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ परफॉर्मिंग, वो उसके लिए बहुत है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ज़ाया तो नहीं कह सकते हैं कि नज़रों से आपके ओझल हो गया एक ऐसा, और इसकी क्रिकेट लाइफ से हट के अगर दीगर लाइफ भी देखें तो उसने बड़ी मेहनत की है। यूएई में भी जाके इसने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ को बनाने में, और फिर उस मेहनत के साथ साथ अपने क्रिकेट पर फोकस किया, और मुझे तो लगता है इसके अंदर एक भूख है, और ये जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं ये बता रहे हैं ख़ास तौर पर पीएसएल के अंदर कि मैं यहाँ था, मुझे नहीं याद किया गया, मुझे नहीं मौके दिए गए, और मेरे में कितना टैलेंट था, और ये यही फड़क और यही भूख मेरे ख्याल से उस्मान खान से बहुत ज़्यादा जो है वो उनके बल्ले से जो है रन्स उगल रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है, 230 प्लस का टारगेट है, जब ये शो लगेगा शायद उस वक्त तो मैच ख़त्म हो गया होगा, बट स्टिल एक ऐसी बैटिंग लाइन है जो कि इसको चेस डाउन कर सकती है, और प्रेशर ऑब्वियसली उन पर होगा क्योंकि अगर हारे तो फिर प्लेऑफ्स का रास्ता मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब उस पर क्या डिबेट करें, जब तक ये लगेगी तो मैच की सूरत हाल लोगों के सामने होगी कि क्या सूरत हाल होगी, लेकिन अगर इस्लामाबाद हारती है तो फिर इस्लामाबाद के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अनलेस कि क्वेटा जो है वो दोनों मैचेस ना हारे लगातार, जो ऑलरेडी पहली दो हार चुकी है, तो लगता नहीं है कि क्वेटा शायद हार जाए, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इस डिबेट पे अभी हम कोई क्या बात कर सकते हैं, ज़्यादा इतनी फ्रीक्वेंटली बात करनी सही है। अच्छा, उस्मान खान की थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा, ये यूएई में गया, एक गैस स्टेशन पे उसने काम किया, उसके बाद एक ऑयल कंपनी का भी हिस्सा रहा, अभी भी उन्हीं के साथ है, उन्हीं के क्लब के लिए या जो भी टीम है उनके लिए। लेकिन इसके बताने का मकसद है, थोड़ी बहुत से लोग समझते हैं कि हम या बहुत सी वीडियो ऐसी आती है कि खिलाड़ी की गुर्बत को आप उजागर कर रहे हो उसका टैलेंट, बिल्कुल मकसद इसका ये नहीं है कि उसकी गुर्बत, उसकी मेहनत को उजागर कर रहे हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरी बताते हैं, ये थोड़ी सी बताते हैं। हाँ, बोलो। इंस्पिरेशनल स्टोरी बताते हैं खिलाड़ी की, लेकिन अतीक भाई बहुत सारे लोगों को ये है, अभी भी हम अंदर बात कर रहे थे कि शायद इसको ऑफर हो तो पाकिस्तान आ जाए, बट मेरी जो इसके भाई वगैरह से बात हुई उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सीन नहीं, क्योंकि इसका भाई भी क्रिकेट खेलता है, वो केपीटी का कप्तान भी रहा हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और ये खुद भी केपीटी में 2018 में बंद हो गया था, तो उसके बाद ये गया था जॉब की सिलसिले, खुद भी केपीटी से खेली और भाई भी क्रिकेट खेलता रहा है, और जब यहाँ मीडिया टॉक हुई थी इसकी पहली कराची के अंदर, तो उस वक्त भी ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अभी यूएई से, पिंडी में हुआ था सवाल, और हमारे सीनियर साफी भट्टी साहब ने किया था उनसे सवाल, अगर आपको याद हो, जिसको उसने कहा था कि यहाँ पर मैं फ्यूचर नहीं देखता। हाँ, अब ये तो है, देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम के ऊपर, सिलेक्टर्स के ऊपर, और जो जितने हमारे जो रीजन्स के कोचेज हैं ये वो हैं उन सब के ऊपर कि एक ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकल गया, और ना जाने कितने होंगे जो निकल गए होंगे या ज़ाया हो चुके होंगे, या चलें ठीक है हम अब नहीं जाते उन बातों पे, अभी भी बहुत से ऐसे हैं कि जिनको फोकस किया जाए, इसी वजह से कहते हैं कि भाई हर किसी ने टारगेट पाकिस्तान टीम को किया हुआ होता है, पाकिस्तान टीम में आपके 15-18 लड़के ही आ सकते हैं, ठीक है ना, तो आप अंडर 19 टीम हो, आपकी ए टीम होनी चाहिए, आपकी अंडर 23 एक टीम होनी चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि वो उस सर्कल में रहे, लेकिन अगर आपके सर्कल जितने कम होंगे एक ही सर्कल रहेगा कि पाकिस्तान टीम, तो सबको तो मौके नहीं मिल सकते ना पाकिस्तान टीम को, फिर तो आपके इस तरह बेतहाशा टैलेंट जो है वो
निकल के जाता रहेगा। अच्छा, एक और भी ओपिनियन चल रहा है इस वक्त, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि अगर एक साल रहता है उनका वैसे उस्मान का यूएई से खेलने के लिए, तो अगर वो एलिजिबल होते हैं तो फिर उनके लिए आईपीएल के रास्ते भी खुलेंगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा फैसिनेट कर रहा होगा एक प्लेयर आईपीएल के खुलेंगे। आईपीएल एक ज़ाहिर आपको मालूम है वहाँ किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किस तरीके से पैसे होते हैं। इस्मान खान क्या, वहाँ तो दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी चाहता है कि मैं आईपीएल खेलने जाऊँ, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं बनिस्बत दीगर और लीग्स के, मौाक़े ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ की परफॉर्मेंस आपको और बूम देती है, पीएसएल की परफॉर्मेंस आपको बूम देती है, लेकिन आईपीएल की परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा बूम देती है। सही है। अच्छा, थोड़ी सी बात, अब कल रात वाले मैच के भी कर लें, कराची किंग्स ने नेल बाइटिंग, हम यहाँ पर ही हमने विटनेस किया, एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट था, लास्ट बॉल फिनिश था शुएब मलिक की तरफ से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा जमान खान को भी, और आई थिंक वो इस वक्त पाकिस्तान में लास्ट ओवर जमान को ही दें आखिरी बॉल को अच्छा उसके लिए भी पूरा ओवर अच्छा था, लेकिन जमान का पूरा वो बॉल हटा दें तो वो ओवर फंसा दिया था, मेरे ख्याल से उसकी थोड़ा पाँव भी स्लिप हो गया था, गिर गया भी गए थे तो एक, लेकिन इस बॉल से पहले शाहीन ने उनके साथ बातचीत की है और समझाया, तो लेग साइड पे सारी फील्ड रख कर इन्होंने बॉल ऑफ कराई, या तो ये बैटर्स को धोखा देना चाह रहे थे, लेकिन समझते नहीं कि शुएब मलिक जितने एक्सपीरियंस बंदे को इतनी आसानी से आप चकमा दे नहीं सकते, लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा भार हो, बहुत ज़्यादा भार हो गई थी, और जिसका शुएब मलिक ने भरपूर फ़ायदा उठाया, तजर्बेकार तो वो हैं और जीत लिया, और कल शुएब मलिक ने कहा भी पोलार्ड के साथ एयरपोर्ट पर जब वो आ रहे थे तो हम दोनों ने कहा था हाँ कि दो मैच बाकी है, तो उन्होंने पोलार्ड को कहा यानी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली अगले मैच में क्रिटिसिज्म ना होगा मैं हरवा भी दूंगा, ये होती है देखिए। लेकिन अब दोबारा बातें हमारे यहाँ एक परफॉर्मेंस के बाद बातें होना शुरू हो जाती हैं, अब दोबारा कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी उनके फैंस की कि T20 वर्ल्ड कप में USA की फ्लाइट में मलिक साहब चले जाएं, यार एक चौका लगाने के बाद अगर इस तरह बहुत ईजी है ना, ये हम लोग तो बहुत जैसे ये है एक जिसने जितवा दिया तो बस वो फॉरेन टीम में आ जाए, वर्ल्ड कप टाइटल जीत के आ जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके सोचते हैं, जज्बाती सोचते हैं कि यार उसको ले लेते इससे अच्छा उसको ले लेते, भाई एक दो परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होता है, शुएब मलिक को वापस ले आओ, मलिक को वापस ले आओ, तो आपको आगे जाना है या पीछे जाना है, पीछे लोगों के हिसाब से, लोग ये कहते हैं ना अब आमिर ने रिटायरमेंट ले ली, लोग कहते हैं वो अभी भी बेस्ट है, इसका मतलब तो आप अपने खुद के सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, सवाल कर रहे हो। देखिए आमिर, बात क्या हो रही है, आमिर को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी बॉलिंग इस वक्त जा रही है बहुत ही, अब देखें कल के मैच की अगर आप बात करें, शाहीन शाह आफरीदी के शुरू के दो ओवर में उन्होंने रन कम दिए, आखिरी दो ओवर में उन्होंने 27 रन दिए, और शाहीन जैसा बॉलर जो दुनिया का है, और जमान है। फिर जमान भी देखें पाकिस्तान टीम का है, अगर आप देखा जाए रेगुलर हिस्सा है ना, तो जमान अमूमन अच्छे ओवर कराता है, ठीक है एक बॉल उससे हो गई और एक क्रूशल बॉल हो गई जो थी, तो इस वजह से आमिर की बात आ रही है, हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा पिट रहा है, इस वजह से आमिर की बात आ रही है, और आमिर ने इस पीएसएल में ठीक है विकेट नहीं ली, लेकिन इम्पैक्ट बॉलर वो ज़रूर रहा है, आखिरी ओवर्स खास तौर पे बड़े अच्छे उसने कराए आमिर की, तो इस वजह से आमिर का सवाल होता है, लेकिन मेरे इसके कहने का मकसद ये नहीं है कि आप शुएब मलिक को तो कहें कि नहीं और आमिर को कहें वेलकम, लेकिन आमिर पे दोबारा से सोच मिल जाती है कि वो अभी तक T20 खेल रहा है और लीग्स खेल रहा है। यही उस्मान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप एक परफॉर्मेंस पे कहते हो कि प्लेयर बहुत टॉप पर है और फिर आप कहते हो कि ये प्लेयर तो कुछ भी नहीं, इस वजह से मैं जा रहा हूँ भाई, और मैं नहीं समझता कि मेरा यहाँ फ्यूचर। उस्मान खान ने देखें सुलझा हुआ आदमी तो है और उसने ये बात की, और हम लोग यहाँ पे करते हैं इस तरीके से, अभी देखें ये PSL हुआ है ना, इसमें जितने हुए हैं अब हर कोई कहेगा इसको ले लें, उसने ये विकेटें ली थी, उसने क्रूशल ओवर किया था, उसने क्रूशल रन बनाया था, उसने क्रूशल बॉल की थी, सब नहीं आ सकते, तो अब ये वर्ल्ड कप की टीम भी बननी है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है, तो आप ज़रूर लें इस PSL से, लेकिन उसको लें जो रेड बॉल का थोड़ा सा तड़का लगवा के आया है या रगड़ा खा के आया है, अगर आप हम बात करें अभी उसकी, कल कराची किंग ने देखें एक तो नीचे आके खेला शान ने और कॉन्फिडेंस होके खेला उसने, तो जो हम बात कर रहे थे कि नीचे आया, दूसरा आपने बात की थी कि उसको नवाज को बिठा के अरफात मिनाज को, अब अरफात मिनाज को आप लेके आए, हाँ उस पर उसको भी बॉल भी करा लेते हैं। अधिक भाई ये अब बहुत लंबा एक लिस्ट बन गई है, आप समझते हैं एग्री करेंगे इससे कि कराची किंग्स टैलेंट को ज़ाया करने में टॉप पर है,
आप देखें इस वक्त उनकी टीम में आमिर खान थे, दो मैचेस खिलाए, दो मैचेस में सिर्फ दो दो ओवर्स करवाए, फिर सिराजुद्दीन बाहर बैठा हुआ है, पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट पूरी खेल के आया है, उसके बाद आपने सात को एक मैच खिलाया बाहर कर दिया, अखलाक को दो मैच खिलाया बाहर कर दिया, अराफात को खिलाया एक ओवर भी नहीं करवाया उसने। और इससे पहले पीएसएल सीजन में एक लंबी लिस्ट है कि किस तरीके से कराची किंग्स में प्लेयर ज़ाया होते रहे। आप बात सही कह रहे हैं कि हर मैच में इतनी ज़्यादा इनकी एक अलग ही डिफरेंस, पता है लगता आज अग्रेसिव सोच के आ रहे हैं, कल डिफेंसिव सोच के आएंगे, कल किसी और प्लान के तहत मैदान में आते हैं ये। तो वो जब बात कर रहे हैं आप इस तरीके से सिराज की बात कर रहे हैं, अरफात मिनाज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर आपने लिए हैं और कल अरफात को अगर आपने खिला ही लिया है, जो बहुत ही अच्छी बात की आपने खिला लिया और बहुत अच्छा कि आपने नवाज को बिठा दिया, तो अरफात को भाई एक ओवर भी करा देते जब आपके वो आउट हुआ था तो वहाँ जगह बनती थी, अरफात को दो ओवर भी दे देते आप। हो सकता है अरफात हो सकता है क्या, बल्कि हालांकि एक वक्त में लग रहा था 150 के अंदर है, लेकिन उसके बाद फिर वीजे और जब वीजा आउट हुआ उस वक्त अरफात को देना चाहिए था, दो ओवर दे देते, एक ओवर दे देते नजर आ जाता। सही है। अच्छा, शाहीन के हवाले से क्या कहेंगे? शाहीन आजकल बैटिंग में बड़े इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट वो सिकंदर रजा और वीजे से खुद को प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो चले ये माइंडसेट चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान टीम में तो ये माइंडसेट बड़ा हर्ट करेगा पाकिस्तान टीम। देखें, शाहीन ऑलराउंडर खुद को बनाना चाह रहे हैं या समझते हैं, बड़ा फ़र्क है। अगर कोई खुद ये समझता है कि मैं ऑलराउंडर हो गया हूँ तो वो एक अलग गलत फहमी है। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ प्लेयर्स कोशिश करने की वजह से ज़ाया भी होने लगे हैं। शादाब देखें, बैटिंग पे फोकस किया, बॉलिंग में हमें शादाब एज अ बॉलर चाहिए, नहीं तो अब बॉलर की बॉलिंग नहीं चल रही तो वो चाह रहे हैं कि मैं बैटिंग में। लेकिन आपका आपकी देखें, वसीम अकरम ने एक दफ़ा ये बात की थी, ऑलराउंडर वो होता है जिसकी एक चीज़ बहुत ही परफेक्ट होती है। वसीम अकरम ने कहा मेरी बॉलिंग बहुत ही परफेक्ट थी, बैटिंग में मेरे हो जाती थी, मैं कर लेता था, तो वो मैं इस वजह से मैं ऑलराउंडर। लेकिन ऑलराउंडर वो नहीं होता कि वो बैटिंग भी सही नहीं करे और बॉलिंग भी आधी करे। वो कहते हैं ना आधा तीतर आधा बटे, ये नहीं होता। एक चीज़ आपके परफेक्ट होना चाहिए, आपका एक विंग्स इतना मजबूत होना चाहिए कि जिसपे तो कोई डाउट ही कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर आप करें। तो मेरे ख्याल से शाहीन बैटिंग पर कर रहे हैं, फोकस करें, लेकिन अपनी ज़्यादा फोकस जो है वो अपनी बॉलिंग पर कहें कि क्यों उनकी बॉलिंग में जो है वो जो नई बॉल से विकटें लेते थे वो क्यों जो है ख़त्म हो रही, तो उसको ज़्यादा फोकस करें, उसके बाद बैटिंग के मरले और आते रहेंगे। सही है। अच्छा, आज मैच है, इंपॉर्टेंट मैच, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुश्किल है क्योंकि उनके दो मेन प्लेयर्स इस वक्त उनके साथ नहीं है, रदरफोर्ड और उस्मान तारिक, और पिछला मैच भी इसी वजह से कॉस्ट किया हम बहुत। क्वेटा ने एक ऐसे मौके के ऊपर जो है कमज़ोर हुई है टीम, जहाँ उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मिडिल के अंदर। अगर आप देखें, आप सरफराज को भी आप बिठा रहे हैं, फिर आपके पास रदरफोर्ड भी नहीं है, फिर आप बॉलिंग के अंदर जाएंगे तो उस्मान तारिक वो भी अपने बॉलिंग की दुरुस्तगी के लिए एकेडमी चले गए, तो एक ऐसे मौके पर जहां आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहां आप अपने खिलाड़ियों को इस तरह इजाज़त दे देना या पहले से कमिटमेंट थी तो आप उसको कन्वेंस कर सकते हैं कि यार देखो इस वक्त ऐसी सूरत हाल है। अब नहीं पता उसकी फैमिली की क्या रीज़न है, अभी तक कोई रीज़न हमारे सामने नहीं आया है जब हम इतनी बड़ी बात तो कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो उसकी फैमिली का क्या रीज़न है। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं था तो कन्वेंस करते रदरफोर्ड को कि यार ये बड़ा क्रूशल मोमेंट है हमारे लिए, हम फंस सकते हैं कहीं ना कहीं, तो ये बात होनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह इजाज़त दे देना ऐसे क्रूशल मौके पर, ये क्वेटा ग्लैडिएटर को भारी पड़ सकता है। अच्छा, लास्ट मैच में आप कह रहे थे कि सरफराज को नहीं बिठाना चाहिए, मैंने कहा था बिठा देना चाहिए, बिठा दिया उस तरीके से तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आज एक क्रूशल मोमेंट है, क्रूशल मैच है, समझते हैं कि वापस होना चाहिए या जो डिसीजन लिया था उस पर स्टैंड करना चाहिए? नहीं, सरफराज को वापस होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि विकेट कीपिंग लॉरी लॉरेंसन ने जो है लॉरी वांस उन्होंने भी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं की, और फिर मिडिल के अंदर आपको ज़रूरत है। अगर आप, मैंने वो वही वाली बात दोहराऊंगा कि क्वेटा के अगर 20 खिलाड़ी उठा के देखें तो उसमें से 6 से 7 खिलाड़ी वो हैं टॉप पे खेलते हैं, मिडिल में नहीं खेलते। मिडिल में खेलने वाले आपके ये सरफराज ही हैं, तो आपको रखना पड़ेगा मिडिल में जो आपकी इनिंग्स को लेके चल सके, लेकिन सरफराज को भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना हो। लास्ट में एक बड़ा आम सा बात है और इस पर बड़ी हॉट टॉपिक चल रहा है, वो है पाकिस्तान टीम की कोचिंग। आज डैरिन सैनी से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल किया तो वो लगा नहीं कि उनसे कोई राबता हुआ है या वो गोल कर गए बात, उन्होंने कोई प्रॉपर कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। ना उन्होंने कहा कि मुझे किया है, और उन्होंने कहा मेरा पेशावर जलमी के साथ फोकस है, लेकिन एंड में उसने उन्होंने ये भी कह दिया कि T20 वर्ल्ड कप विद वेस्ट इंडीज़ ये मेरी कोचिंग जॉब अब तक मेरे पास यही है। हाँ देखें, है तो, लेकिन अगर हम बात करें शेन वॉटसन की,
शेन वॉटसन के जो कोचिंग की ऑफर है, जितने पैसे वहाँ से मिलते हैं यहाँ शायद उतने ना हो। लेकिन शेन वॉटसन शेन वॉटसन उसमें करते हैं ना, उसका आईपीएल का था वो, हाँ, चल खत्म हो गया, वो हो गया खत्म। अब वो सिर्फ अमेरिका की वो लीग में सैन फ्रांसिस्को वाली, अच्छा, हाँ, उनके साथ है बस, वो खत्म हो गया आईपीएल वो वाला, असिस्टेंट कोच वाला तो उनका नहीं है अभी। अच्छा, अब अगर शेन वॉटसन है आपके ऑफर, लेकिन डैरन सैमी ज्यादा जो है मुझे लगता है, मुझे लगता है डैरन सैमी से बात हुई है, डैरन सैमी ने बात को घुमाया कि अभी मैं बात कहूंगा कि हाँ मुझे पेशकश हुई है, तो वो बड़ी शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा, खबर भी बन जाती है, और फिर कल को मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो फिर एक बात गलत हो जाती है कि वेस्ट इंडीज वाले बोलेंगे आपको वहाँ जलमी की कोचिंग के लिए गए, तो वहाँ आप जनाब पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए भी बात करें, तो इस वजह से उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वॉटसन और सैमी, डैरन सैमी इस वक्त बाबर आजम के साथ जो है वो लगे हुए हैं, और बाबर आजम की वर्थ है, लोग समझते हैं कि शायद वो कप्तान नहीं है, बाबर आजम की वर्थ है, और बाबर आजम उनके साथ जिस तरीके से खेल रहे हैं और जिस तरीके से बाबर आजम इनके दरमियान है, तो एक वर्थ तो रखते हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि वो किसको करते हैं, लेकिन डैरन सैमी लाइन में है। चलें, डैरन सैमी बेसिकली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 साल के लिए इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के वाइट बॉल कोच भी अपॉइंट हुए थे पिछले साल, तो मोस्ट लाइकली वो T20 वर्ल्ड कप में साथ होंगे, लेकिन यू नेवर नो, कोई अच्छी ऑफर हो जाए, और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का भी कुछ ऐसा ही रहता है, वहाँ भी कुछ पता नहीं लगता कब क्या हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें 24 वाले में तो वेस्ट इंडीज़ है, 24 वाले में वेस्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ टर्मिनेशन हो जाए, अच्छा, अच्छा, छोड़ छाड़ के आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना, हाँ, वो वर्ल्ड कप में तो है, हाँ, तो वो यहाँ वाला ही सिस्टम वहाँ पर भी है, तो लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अहम है अगले 6 महीने, क्योंकि बड़ा इवेंट खेलना है T20 वर्ल्ड कप, और PSL चलता रहेगा, तो आपसे कल भी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।